रसोड़े में कौन था? मम्मी रसोड़े में कौन था? कोई सुन, ये बता रसोड़े में कौन था? साथ निभाना साथिया। अब जिन लोगों को नहीं पता ये क्या है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, ये एक ऐसा सीरियल है जहाँ पे किसी के मरने जीने का कोई हिसाब नहीं है। मैंने जब इस सीरियल की थोड़ी रिसर्च की तो मेरे को ये मिला। ये भाई अब डॉक्टरों को दिखाएंगे कि अपनी मरी हुई पत्नी को जिंदा कैसे करते हैं। आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो, अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो अभी की अभी। अरे यार, मरे हुए व्यक्ति से कौन ग्रीन टी मांगता है, पर गोपी ऐसी खतरनाक है कि वो ग्रीन टी बनाने के लिए जिंदा भी हो जाती है। और तो और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इनके लिए आम बात है ये। यहाँ पर इसे चाकू से मार दिया, इसको यहाँ पर गोली मार दी, इसको बॉम्ब से उड़ा, इसको ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से भी फेंक दी, और जब इसको बिल्डिंग से गिर के कुछ नहीं हुआ तो बिल्डिंग इसके ऊपर गिरा दी। और हाँ, गूगल बाबा बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाला इंसान भी 122 इयर्स तक जिया। साथ निभाना साथिया मतलब ये दुनिया का एक पहला शो है जहाँ पे इस औरत की शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हो चुके हैं और उन बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं और उन बच्चों के भी बच्चे होने वाले हैं, मगर इनकी बाह भी तक नहीं मरी। मतलब कौन सा टॉनिक खरीदते हैं यार ये लोग मार्केट से? इस हिसाब से तो बाजी को भी कुछ अवार्ड वगैरह तो मिलना ही चाहिए। चलो गूगल पर सर्च करके देखते हैं। मीरा की मम्मी की सास को किला की माँ। हाँ, अरे इनका नाम तो कास्ट में भी नहीं। और तो और इस सीरियल में हल्का सा कुछ होता नहीं है, इसमें साउंड इफेक्ट पहले आ जाता है। मैं तभी सोचूं मेरी वीडियोस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, अगर मैं इतना साउंड इफेक्ट डालता तो फिर शायद मेरा कुछ शायद कुछ। इस सीरियल के डायलॉग, अरे वाह 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 वाह, ऐसे माशाल्लाह डायलॉग्स है ना, मतलब बंदा देख के डर के मर जाए। एक सेकंड को डायलॉग को भी साइड में रख देते हैं, लेकिन सीरियल में जो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है धूमताना धूमताना धूमताना, वो मतलब इंसान को इनडायरेक्टली मलेरिया का एहसास करा दे यार। हम ये बात मान सकते हैं अगर कोई फाइटिंग सीन होगा या फिर कोई कटिंग सीन होगा तो फिर हम उसे म्यूजिक को ऐड कर दें, पर ये तो हर जगह डाल लें यार। ये जो सुबह शाम तू पूजा पाठ करती रहती है ना, बंद कर दे, उसके बदले इनके नाम की माला जपना शुरू कर दे। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। मम्मी मेरे को नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। भाई सामने वाले घर में एनिमी है, एनिमी। हाँ, नॉर्थ वेस्ट पे, नॉर्थ वेस्ट पे। अबे जल्दी आ, मेरे को भी जाना है। और इस सीरियल में एक कैरेक्टर है उर्मिला बैन शाह का, अब इनका तो क्या ही कहना है, मतलब इनका नाम ही काफी है। इनका दिमाग तो सच में खराब है, इसीलिए तो कोकिला के बाल पकड़कर उन्हें पनिशमेंट दे रही है आज उर्मिला। और इनका घर मोदी निवास। आहा, अगर यहाँ पे चाय में एक चम्मच चीनी भी ज्यादा हो जाएगी ना तो फिर उस पर भी 3 एपिसोड बना देंगे लोग। चलिए सीरियल की कुछ क्लिप्स देख लेते हैं। तो पहले सरफ में बिल्कुल ना, पहले भिगो दो बिल्कुल लैपटॉप को। इसकी शक्ल देखो, इस वक्त इसकी शक्ल ऐसी लग रही है जैसे जब ना किसी का वीजा रिजेक्ट हो जाता है। पर कुछ भी कह लो, गोपी है बड़ी शांत स्वभाव की। हिंसा करना अपराध है, हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। पर कभी कभी इसे गुस्सा भी आ जाता है और ये आंटियां पंचर करने लगती हैं। सो गोपी घोसले क्या कहूँ, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक करो, कोई नहीं करता पर तुम करो।
तुम करो। इस वीडियो पे एम करती हूँ 27 लाइक के लिए, 25 से 3 ज्यादा 27 के लिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देंगे। सो लेट्स प्ले।